तो सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार, वेलकम, स्वागत है नए राग में। राग का नाम है भैरव, ठीक है। तो इसका आरोह और अवरोह ध्यान से सुनिएगा। आरोह है, रे जो है इसमें कोमल होगा और ध भी कोमल होगा, तो इसमें दो जो नोट होंगे वो दो कोमल होंगे, याद रखना है हमेशा, ठीक है। रे और ध याद रखना है। सरे गा मा पा धनी सा नी ध पा म ग रे सा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सरे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा म ग रे सा। पकड़। ध म नीचे होगा। ध म रे ग म पा म ग रे सा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। ध द म रे ग म पा म ग रे सा। इसमें वादी है वो ध है, क्योंकि ध सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। ध लेटर सबसे ज्यादा इसमें यूज हुआ है। ओके, संवादी जो है वो रे है, संवादी रे। वादी मतलब सबसे ज्यादा जिसका जो लेटर आया है वह वादी है, ठीक है। संवादी मतलब उससे थोड़ा कम है ना। और इसका जो गाने का समय है वो सुबह में है, ठीक है। गाने का समय सुबह में, आप लोग सुबह में गा सकते हैं इस राग को। इस राग पर आप कीर्तन भी गा सकते हैं। ओके, आलाप। पहला नंबर। सरे सरे गा म पा म गा म रे सा। रिपीट। सरे गा मा पा मा गा मा रे सा। दूसरा नंबर। सरे सा सा नी ध सा नी द द द नी सा रे धनी सरे। क्या इसमें नीचे है ऊपर है पता नहीं चल पा रहा है। धनी रे सा।
एक बार फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? दूसरा नंबर, सरे सा सा नीचे का, अच्छा मंद सप्तक का नी, सा नी धा नी धा धा नी सरे सा ग म प म गरे सा। रिपीट, सरे सा सनी धा धनी सरे सा ग म प म गरे सा। तीसरा नंबर, सा ग म प ग म ध ध प सा ग म प ग म ग म ध प प धनी सा सा नी द प ग म रे सा सा नी द प ग म रे सा सा ग म प ग म ध ध ध प प ध नी सा सा नी द प ग म रे सा ग सा रे ग म रे सा। फोर्थ नंबर, प ध प सा रे रे सा रे ग म प ध नी सा रे सा रे सा प ध नी सा रे सा नी द प ध नी द नी सा प ध नी सा रे सा नी द प ध नी सा। फिफ्थ नंबर, धनी सा धनी सा रे सा रे गा मा रे सा सा सारे तार सप्तक में कोमल रे बोलना है। अब ध्यान से देखिएगा, रे नीचे नहीं, मध्य सप्तक नहीं बोलना है, तार सप्तक का कोमल रे।
अभी करेक्ट हुआ है। सा नी द प द नी सा। नेक्स्ट प द नी सा द नी सा सा रे सा सा रे ग ग म रे सा सा नी द प ग म रे ग म रे सा। यह आएगा ग म रे सा प द नी सा द नी सा सा रे सा सा रे ग म रे सा सा नी द प ग म रे सा रे सा सा नी द प ग म रे सा रे सरगम गीत अस्थाई ग म रे सा ग म रे सा नी नी नीचे मंद्र सप्तक का नी है, ठीक है। नी सा ग म नी सा ग म नी सा ग म द द प म ग रे सा म ग रे सा म ग रे सा। बोलिए ग अस्थाई जो है ये ग म रे सा ग म रे संबंध सप्तक का है? नहीं नहीं, मध्य सप्तक का नी केवल है, बस नी नी मध्य मंद्र सप्तक का खाली नी है। मंद्र सप्तक का सिर्फ नी है। हाँ, ये तो नी होगा जी। ग म रे सा नी सा ग म द द प म म
थोड़ा नीचे आ गया। ओके ग म सा रे ग म ग म रे ग म रे सा नी सा ग म द द प म ग रे सा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ग म रे सा ग म रे सा नी सा ग म द द प म ग म ग रे सा म ग रे सा ग म रे सा नी सा ग म द द प द द प म ग म ग रे सा नि सा रे सा ग म रे ग म प ग म रे सा सा रे सा ग म रे ग म प ग म रे सा ग म रे सा। जहाँ जहाँ लाइन खींचा हुआ है वहाँ अ करना है सारे सारे सा है ना सा हो रहा है ना ऐसे सारे सा ग म रे ग म प ग म रे सा अंतरा ग म द नि सा द नि सा रे रे ग रे ग म रे सा रे सा ग म द नि सा नि सा द नि सा रे रे ग म रे सा सा रे सा रे सा नी सा नी नी सा नी द प म ग रे सा सा रे सा नी सा नी सा नि द प म ग म ग ग रे सा। इसका गाना है सु सारे सुद भाव धर भाव धर सारे
ग म प ध प ध नि सा नि द प म ग र सा सु सु द भा सु द भा ओके okay, गीत जो है इसको करते हैं ठीक है कर गए okay, दुर्गा ओ माय दुर्गा आ गया इसमें इसका भैरव का गीत पता नहीं पूरा नहीं दिया हुआ है बस ये अंतरा करके इसके बाद फिर गीत कहाँ है शुद्ध भाव के शुद्ध भाव दर प्रभु को सुमिरन शुद्ध भाव दर प्रभु को सुमिरन करो कृपा प्रभु पार्वती रमन वाले मैं पहले प्ले कर लेता हूँ इस गाने को सुन लेते हैं गाने को शुद्ध भाव धर यही है ना बब नम के वन केवल बनम केवल बबन केवल बबन केवल वन मिनट थोड़ा सा मैं सुन लेता हूँ मोबाइल पर ठीक है लाइन पर रहिएगा बोलो तो मैं आपको एक फ्लूइड दिखाता हूं जिसको बोलते हैं रेजिन इपॉक्सी। अगर आपके घर में सीलन आ रही है जहां पर पानी शुद्ध भाव गर प्रभु को सुमिरन शुद्ध भाव गर प्रभु को सुमिरन करहु कृपा प्रभु पार्वती रमन शुद्ध भाव
सा नी द म प ग म नी सा ग म प प ध शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन करहु कृपा प्रभु पार्वती रमन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन। ये मैं गाना आप लोग को भेज देता हूँ, ठीक है, इसको आप लोग सुन लीजिएगा, म्यूजिक क्लास में भेज दिया हूँ आप लोगों को, तो इसको सुन करके और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसको पूरा सुनूंगा आपसे, ठीक है, तो इसको सुन लीजिएगा कैसे इसमें गाया गया है, और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो सोमवार क्लास होगा ना उसमें आप लोगों को सुनाइएगा उसको, ठीक है। शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन करो कृपा प्रभु पार्वती रमन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन जो कोई ध्यावे प्रभु फल पावे अति दुख पावे मनु भजन बिन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन 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 शुद्ध शुद्ध भाव धर शुद्ध भाव धर प्रभु को प्रभु को सुमिरन मिरन Yeah.
करहु कृपा प्रभु पार्वती रमण शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन करहु कृपा प्रभु पार पार पद पद निसा पद निसा पार पद पद निसा निद पार्वती रमन करहु कृपा प्रभु पार्वती रमन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन करहु कृपा प्रभु पार्वती रमन करहु कृपा प्रभु पार्वती रमन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन म प प ध नि नि सा म प प ध नि नि सा 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 र सा जो कोई ध्यावे प्रभु फल पावे जो कोई ध्यावे प्रभु फल पावे निषाद निषाद पम पम गर रे गर रे सास अति दुख पावे मानुज भजन बिन मानुज मानु मानु मानुज भजन भजन बिन मानुज भजन बिन अति दुख अति अति दु अति दुख पावे मानुज भजन बिन जो कोई जावे प्रभु पल पावे अति दुख पावे मानुज भजन बिन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन सदा सदा दद पम पम गर रे गर रे सस शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन करहु कृपा प्रभु पार्वती रमण करहु कृपा प्रभु पार्वती रमण शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन शुद्ध शुद्ध भाव धर प्रभु को सुमिरन शुद्ध
दर प्रभु को सुमिरन सुद भाव दर प्रभु को सुमिरन। ओके ये इसका ट्यूनिंग जो है आप लोग का माइंड में बैठ गया होगा, आई थिंक प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हारमोनियम के ऊपर। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, डायरेक्ट मत करिएगा क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत 19-20 होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई जगह नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हारमोनियम पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके बाद भी सब ठीक हो जाएगा। ओके, किसी का क्वेश्चन है तो बता दीजिए लास्ट। सर ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा गा रे सा सा नि द प म ग रे सा रे कोमल रे और धा कोमल। सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा सा नि द प म ग रे सा रे सा सुध भाव दर प्रभु को सुमिरन। दादाजी शुद्ध भाव ला कहाँ दिए हैं लिखने? अरे आपका पीडीएफ शुद्ध भाव ला नहीं था उसमें। पीडीएफ दिया हुआ है ना ग्रुप में, भेजा हुआ है, नहीं भेजा है? अच्छा, उससे उससे लिख जी जी उससे लिख ले। हाँ, ऑलरेडी मैं भेज दिया। हाँ जी जी उससे लिख ले। जी जी ठीक है फिर। और मैं वीडियो भी भेज दिया हूँ, ठीक है ना, इसका पूरा गाया हुआ वीडियो है यही भजन पर, YouTube वीडियो, तो इसको सुन लीजिए अच्छा से। ठीक है, ठीक है फिर। सभी को नमस्कार। जी दादाजी। परमपिता बाबा की जय।